हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कशन करुचंती ओडिशा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो OSSS मीन्स ट्रिपल एस सी ए वेबसाइट रे तुम माने ये जो बोर्ड तुम नोटिफिकेशन बाहर करी जे कि होची कौन जूनियर आसीस्टांट देन होची पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट। आज मुझे एडवर्टाइजमेंट रो डिटेल्स डिस्कशन करी आउ को प्रोसेस रे गले तुम्हें ये जॉब पाई परिबो तार भी डिटेल्स तुमको बहुत बढ़िया से आइडिया देबी। तुम्हें ताको मध्य यदि ठीक से अप्लाई करिबो ताले तुम्हें पाई ही जिबो। ओके, कारण ये जो एग्जाम होबो बेसी बड़ जोर से कंपटीशन होबोनी, किछि किछि प्रोसेस होची तुम्हें ताको फॉलो करिबो तो पाई ही जिबो। ओके, देखिबा आमे आगे डिटेल्स डिस्कशन करिबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन अछि, पोस्ट डिटेल्स तने हला तुमरो कोन कोन सिलेबस रहिबो, तापरे होची आमे लास्ट रे तार देखिबा मोर माने जिला माने डिस्ट्रिक्ट वाइज केते केते वैकेंसी अछि, देन तार होची लास्ट को मु तुमको प्रोसेस बतेबी जे कोन केमिति तुमे प्रिपेरेशन करिवो। फास्ट जिनस एथिरे लेखा अछि देखंतु इनवाइटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये तुमर 24th रु आरंभ बारथिला किंतु टिके लेट हे गेला तांकर एटा नोटिफिकेशन बाहर करबा टिके लेट हे जाइतिला। ओके, आ जा भी हो आज तो हो पारानी कालीठू ही नोटिफिकेशन तुम माने फॉर्म तुम सबमिट कर पार आत अत्याशाई फॉर्म सबमिट करार भी किसी जरूरी ना आते लेट भी बेसी करेन कारण यहाँ 27th March पर्यंत अच्छी एग्जाम फी ए फास्ट रू कहीदे ये जो तुम्हें फॉर्म सबमिट कर एग्जामिनेशन फीस किसी रहा। ओके, एग्जामिनेशन फीस किसी रही फ्री रे क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी आम देखा आटा डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ता माने आपण जो डिस्ट्रिक्ट रे अछंती से माने जिला रे आपणकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे रजिस्ट्रेशन करथिबे कि जदि स्टेट लेवल रे आपण रजिस्ट्रेशन करिछंती ताहाले होची सेटु आपणकर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट थिबा दरकार पर्टिकुलर माने जिला रे। ओके, तेणु करी फास्ट जिनस होची आपण गुटे जिला रे हेतिबे से जिला रे आपणकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे रजिस्ट्रेशन थिबो नहल ना जदि आप स्टेट लेवल भुवनेश्वर आसिक रजिस्ट्रेशन करते आप जिलूर हूँ कौन करवा दरकार मैंने आप जो रेसीडेटाल सर्टिफिकेट भी आपरे दरकार। ओके, तो आप फास्ट जिन से जिले गोटे पर्टिकुलर जिले रेसीडेट होता दरकार मिनिंग हूँ या तो डिटेल्स अफ द पोस्ट टू बी फिलअप्ड ये देखते लेखा अच्छी डिस्ट्रिक्ट कैडर मीनस कैंडिडेट आफ्टर बिंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विदिन डिस्ट्रिक्ट कनसर्न। ओके, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रे ही तुम्हें पाइब तुम्हार जो जिले तुम्हें बासिंदा ही थी से जिले में तुमको पोस्टिंग मिल। ए कैंडिडेट इंटरेस्टेड मस्ट बी एनश्योर दैट ही और सी बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट फॉर द व्हिच ही और सी इज अप्लाई गोटे पर्टिकुलर जिले तो तुम अप्लाई कर और ही सी मस्ट बी रजिस्टर्ड हिज हर हर नेम इन एनी एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर व्हिच ही और सी अप्लाइंग ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन माने फॉर्म सबमिट करिया पूर्वर तुमको आगे यदि रजिस्ट्रेशन करिनथिबे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे आगे रजिस्ट्रेशन करिवे यदि स्टेट लेवल एक्सचेंज रे आपण रजिस्ट्रेशन करिचंती ताले आपण पाखरे रेसिडेंट सर्टिफिकेट थिबा दरकार। ओके, सरिला ए तो हेगला हमरो देन नंबर ऑफ पोस्ट फिल द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट मे बी चेंज हो पारे माने इनक्रीज डिक्रीज हो पारे सेटा बोर्ड डिसीजन नबो। तो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट बिलोंग टू द कास्ट रिजर्वेशन से अनुसार पाखे सर्टिफिकेट थिबा दरकार। ओके, तापरे पे स्केल कौन रहिबो पे स्केल तुम एथिरे देखंतु एथिरे जूनियर असिस्टेंट और पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो दुटा जाक पोस्ट ये हूँ तुम पे स्केल हूँ तुम रही कौन ना हूँ लेवल 4 आ पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसरटा अच्छे तुम कौन मैट्रिक्स लेवल 5। ओके, लेवल 5 एथरे जस्ट की टिके अधिका पोस्ट माने अधिका सैलरी मिलिबो। ओके, तो जस्ट की टिके अधिका सैलरी मिलिबो किछि बड़ जिनस नुए दीटा जक सेम लेवल रो पोस्ट जस्ट एथरे पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोली कोआ जिवो आउ ये जूनियर असिस्टेंट बोली कॉल करा जिवो बेसी किछि बड़ डिफरेंस नुए किंतु एमिति देखिया गले ऑफिसर वर्डटा लागुछ तो टिके माने एमिति सटिस्फाई आपनको लागि पारे तो ये होची आपनकर लेवल 4 मैट्रिक माने मैट्रिक्स लेवल 4। ओके, गला तापर सैलरी किटा बड़ जिनस नुहे सैलरी रूराल भिलेज एरिया पोस्टिंग हम यू बड़ जिनस किसी ना आप निजे दरकार पड़े निज ब्लॉक रे पोस्टिंग पाइपारती दरकार पड़े निज पंचायत रे भी माने से ट्रांसफर हो गोटे जगह पाइला अगर जगह को ट्रांसफर भी करेंगे तो से किसी हेनी डिस्ट्रिक्ट भितर आराम से ट्रांसफर होलिजिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत इंपोर्टाट
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुमर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन थी दरकार। देखो जूनियर आसीस्टेंट सैलरी कम थिला किंतु सेटा प्लस थ्री मागिची। आ पंचायत एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर तुमर सैलरी तो अधिक किंतु हूँ प्लस टू मागिची। ओके कारण तार क्राइटेरिया रूल एंड स्किल जहाँ अच्छी ए जूनियर आसीस्टेंट तुम गोटे कंप्यूटर स्किल स्टेट भी टेस्ट भी हम मैंने नॉलेज से तुम सफिशिएंट थी दरकार। द कैंडिडेट मोस्ट हाव प्लस थ्री आर्ट साइंस कमर्स फॉर व्हिच अदर क्वालिफिकेशन आज टू इक्विवेलेंट प्लस थ्री एग्जामिनेशन। ओके मैंने इक्विवेलेंट जब प्लस थ्री एग्जामिनेशन अच्छी तेल सी भी एलिजिबल हो पारे। एथे द कैंडिडेट मोस्ट हाव प्लस पास्ट प्लस टू एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन एंड एनी अदर इक्विवेलेंट देयर टू गला। तापर एज एज हूँ तुम मैंने जो एज क्राइटेरिया तुम जनवरी फास्ट सुधा 38 वर्ष रु अधिक हो ना दरकार। ओके 21 वर्ष रु अधिक हो मोस्ट हाव अटेंड द एज ऑफ 21 आर नॉट हूँ एभव हूँ कौन हो 38 जनवरी 1 2023। ओके मैंने जनवरी 1 जनवरी 2023 सुधा तुम कौन हो 38 वर्ष रु अधिक हो ना दरकार। मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 38 वर्ष पुणी जनवरी 1 2023। ओके गला यार भितर तुम्हें थिबा दरकार। तापर डेट ऑफ बर्थ तुम HSC सर्टिफिकेट अनुसार गणा जाने हिसाब को अपर एज लिमिट अच्छी जो मैंने रिजर्व कैटेगरी थे SC BC तुम 5 वर्ष। ओके SC BC SC ST ये सब रही जे आउ अदर तुम जो अपर एज लिमिट रिलैक्स रुम 10 इयर्स हूँ क्यापाई ना हूँ जो मैंने फिजिकाल हैंडिकेप्ट एमती किसी थे से एक सर्विस मैन किसी रिजर्व मैंने किसी अच्छी रूल अच्छी द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय द टोटल पीरियड सर्विस रेंडर इन डिफेन्स सर्विस इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन। ओके ये तो गला। तापर ए कैंडिडेट हु कम्स अंडर मोर देन वन कैटेगरी शाल बी एलिजिबल ओनली वन बेनिफिट। तुम जी अदर बेनिफिट मैंने तुम कौ जो मो 2-3 कैटेगरी अच्छी नुए जे तुमको 2-3 कैटेगरी बेनिफिट मिल जोटा तुमको लगुच बेस्ट कैटेगरी तुम्हें सहीटा चूज कर पार। ओके तुम्हें जोटा बेस्ट सुइटेबल देन ग्रुप डी एम्प्लॉय जदि कौन एम्प्लॉय काम करुवे ग्रुप डी पोस्ट रे से माने भी एलिजिबल हो पारे ये पोस्ट पर। ओके से माने भी एलिजिबल हो पारे ये पोस्ट पर दिखाई एज के पर्यटन ना 40 इयर्स पर्यंत। ओके तापर ग्राम रोजगार जो ये मैंने सेवक जी कई थे ग्राम रोजगार सेवक तो जो मनरेगार काम करुवे कौन करुवे सेवक हिसाब से काम करुवे से मानक एज दि जाते 45 इयर्स पर्यंत। ओके हु आर लेस देन 45 इयर्स। ओके गला पंचायत एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर से एलिजिबल हे कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स थिबा दरकार। तो ये दुटा एम्प्लॉय मानू जो ग्रुप डी पोस्ट जो मैंने काम करुवे से जूनियर आसीस्टेंट पोस्ट पर गणा 40 वर्ष पर्यटन रिलैक्स दिजाव आ ग्राम रोजगार सेवक से भी एलिजिबल से भी फर्म सबमिट करेंपर नंबर भी रे तुम मेनसन अच्छी कौन ना लांगुएज लांगुएज ये तुमको फास्ट जिनस तुम्हें निज ओडे काम कर जिले में काम कर तुम ओडिया तुमको भलसे आसुवा दरकार स्पीक रीड एंड राइट ओडिया। ओके ये तीन टा जिनस तुमको होता दरकार ओडिया ठीक से कही पार्थ्वा दरकार लिखि पार्थ्वा दरकार आउ यू जिन ओडिया तुम नलेज थी दरकार सादा सीधा ओडिया तुम्हें पाठ पढ़ी दरकार ताने मिडिल स्कूल पर्यटन तुम ओडिया पास होता दरकार। ओके गला ये तो तुमको साधारण यहाँ नर्माली देखा मिले जे रूराल एरिया काम कर तो नलेज तो रही दरकार। तापर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन ना हूँ अदर एलिजिबिलिटी सी तो गला सिटीजन ये तो सीटा बेस किसी जिनस नुह ये नर्माली आम ओडार जी थे सब तो यही कैटेगरी आसुवे हिं आसुवे। तापर नेक्स्ट है नो एग्जामिनेशन फी देखिपे ये लिखा अच्छे नो एग्जामिनेशन फीस इज पेबल फॉर द अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट ता माने तुमको फॉर्म सबमिट कर किसी पैसा तुमको पड़ा ना ये बहुत बड़ कथा। आ फॉर्म तुम डेट अच्छी 27 मार्च रेस्पन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट लास्ट डेट। ओके तो पूर्व मो मत आगुआ सबमिट करदे दरकार तो ये लेट कहीं करेंगे आ बेसी भी अतारसाई फॉर्म सबमिट करेंगे आराम से करेंगे। तापर हाउ टू अप्लाई ये अप्लाई करने तुमको तो गोटे वेबसाइट अच्छी तुम जोटा है कौन OSSSE पर्टिकुलर ये वेबसाइट की जी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करेंगे आगे लॉगिन करेंगे लॉगिन आईडी आप तो जमी ईमेल नॉर्मली जमी खोलुँच डिटो से ही प्रोसेस बेस किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नुहे आराम से करहब किसी नुहे डॉक्यूमेंट्स किसी रेडी कर रखिथे मैंने जो आपंकर जो सर्टिफिकेट फर्टिफिकेट नेम फेम ठीक से सबमिट कर मैंने फिलअप करेंगे। तापर
कौन कौन दरकार बेसिक रहिबो तुमरो जो फुल सिग्नेचर उठे रही दरकार 20 KBS रु 50 KB रे माने तुम पाखरे थिबा दरकार कौन फुल सिग्नेचर तार जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट बिटवीन द रेंजेस एतिके ओके तो ये फुल सिग्नेचर स्कैन करके रखिथिबे तापरे सर्टिफिकेट मार्कशीट रेडी फॉर फिलिंग द डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ये तो छाड़ू तापरे 20 KB रु 100 KB आपंकर कौन रहा ना हूँ फोटोकॉपी पासपोर्ट साइज ओके एडिशन टू शैल कीप रेडी कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी ओके गला तापरे ये सब बेसिक जिनस ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपंकर वेरिफिकेशन हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप ये भी रखिए आपंकर जो एससी एसटी एससीबीसी जो कैटेगरी आप कैटेगरी जब किसी रिजर्वेशन आप क्लेम करूँ तो आप सर्टिफिकेट अवेलेबल थिबा दरकार तापर एच एस सी सर्टिफिकेट प्लस थ्री सर्टिफिकेट ये भी तुम आपखे थिबा दरकार मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये सब रही है ओडिया पास जब आप टेन्थ पर्यंत ओडिया पढ़ी ना मझे कौट छाड़ तो सर्टिफिकेट आपको देखा से ना आप जाइए कमी ओडिया तो पढ़ी थे निश्चित जब आप सीबीएसई बीबीएससी अदर को मोड्रु आसी आपको ये सर्टिफिकेट देखा पड़पे तापर गला प्लेस अफ रिटिन टेस्ट रिटिन टेस्ट तुम मे मस हेबी मेनसन अच्छी आज जिले में हम से टेनसन ने निज जिले हे आप जो जिले में आप्लाय करेंगे से जिले में ही एग्जाम हम तो से दरकार पड़े आप लोकल सेंटर रे भी हो पाए ओके निज जिले निज ब्लॉक रे भी हो पाए मे भी कारण पिला भी एमती अप्लाई कर तो बहुत सारे पिला पकेबे फॉर्म तो एटा भी हो पाए मे भी एडमिशन लेटर आपको मिल जाए लॉगिन ऐड करके पासवर्ड देखिए आप डाउनलोड करेंपर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत इंपोर्टेंट देखो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो हम ये 180 मार्क्स टेस्ट 180 मार्क परीक्षा हम आउ एम सी क्यू टाइप रही है वेमार्कसीट आप जो गोल बुलेबे ओके तापर इन वन पेपर एंड प्राक्टिकल टेस्ट 50 मार्क्स आज डिटेल बिलो ओके 50 मार्क्स प्राक्टिकल टेस्ट करा जीवो कंप्यूटर टेस्ट ये सब दुटा जाक पोस्ट गोटे ही टेस्ट अच्छी मानने किसी अलग अलग ना तुम हूँ दुटा जाक समान टेस्ट रंग्लीश रालीस मार्क रालीस मार्क ए नेगेट मार्क अच्छे 0.25 मानने आपन जदि गोटे मैंने क्वेश्चन भूल करो टोटल मार्क रु 0.25 कटिजी ये हूँ ताने चार्टा भूल कले गोटे मार्क कटो चार्टा भूल कले गोटे मार्क होमें देखा ता विषय आगे लेखा अच्छे तो इंग्लीश रे 40 मार्क टेस्ट हम ओडिया 35 मार्क आन सबड़ा गोटे गोटे मार्क अच्छी तो मैथमेटिक्स 35 मार्क आ जनरल नलेज हूँ आप 35 मार्क कंप्यूटर नलेज मुझे आपको गोटे कमन आईडिया दूँ देखो ये कौन करेंगे आप आ कंप्यूटर स्किल टेस्ट यहाँ अलग ये जो कंप्यूटर टेस्ट यहाँ एमसीक्यू रे हम कि ये जो टेस्टा ये हूँ आप स्किल टेस्ट आप प्राक्टिकल करेंगे ओके तो ये 50 मार्क भी हम घंटा दिजो से तो यहाँ हूँ 3 घंटा टाइम मिलूँ तमें 180 मार्क को आपको 3 घंटा टाइम दि जाऊँगी 180टा क्वेश्चन भी 180टा क्वेश्चन भी आप फेस करेंगे तो ये जो क्वेश्चन आसो ये सब 10th स्टैंडर्ड पर्यंत आसो साधारण जिनस 10th स्टैंडर्ड पर्यंत आसो किसी कष्ट क्वेश्चन पड़े सबू सहज क्वेश्चन पड़े इंग्लीश रे भी बहुत इजी क्वेश्चन पड़े ओडिया भी बहुत इजी क्वेश्चन पड़े मैथमेटिक्स रे भी बहुत इजी रही जनरल नॉलेज सादा सीधा क्वेश्चन सब पड़े आमर ओडिशार डिटेल्स आपने मन रखीदे जिला कौन रहा कौट कौन सब आप मानने पिकनिक स्पॉट जोड़ा आप जाते बुलायापी तो से भलसे सब भलसे मन रखिए आ मंदिर मानते टेम्पल मस्जिद चर्च जहाँ अच्छी मेनली टेम्पल कौटी कौन अच्छी किए बनते कौन करते तार हिस्ट्री बैकग्राउंड डिटेल्स मन रखिए कौन मानने से बहुत सारे क्वेश्चन आप ही जी ओके आउार इतिहास कौन अच्छी कौन कौन युद्ध फुद्ध फेस कर सहित युद्ध कर ये बेसिक जिनस जानलापर आउ नेशनल लेवल रे बेसी इम्पोर्टाट फिगर इम्पोर्टाट फिगर कि इम्पोर्टाट न्यूज इम्पोर्टाट प्लेस एमती किसी कमन नलेज आपंकर रही है जेनराल नलेज कंप्यूटर नलेज साधारण क्वेश्चन पड़े माने आपण टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है तुम हूँ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये सब बेसिक जिनस पड़े अल्प अल्प टाइम जब आप दिन को घंटे 2 घंटा भलसे माने गोटे जार टे नलेज थी पाखु जब आईडिया नहीं कि आप प्रिपेरेसन करेंगे तेल आप आराम से आप निजी ये लेवल मन करते गोटे पे प्लस टू पास
कि प्लस थ्री जस्ट पास होती से निज अभिज्ञतार प्रिपेरेसन कले हेनी आप जो मैंने सीनियर अच्छा जो मैं पाखे नलेज ये फिल्ड अच्छी आपड़ सजेसन नहीं प्रिपेरेसन करूँ होके मैथमेटिक्स पूरा 35 रु 35 रखीद पारे कारण बहुत इजी क्वेश्चन पड़ो आ सिलेबस कम्प्लेक्स किसी ना मुझे आगे देखेबी आपको ओके रिटिन टेस्ट ओहो ये आपको गोटे जिनस भूल कही जेटा 0.25 नुहे 0.5 अच्छी तमें गोटे क्वेश्चन भूल कले आपर अधा मार्क कटिज 0.5 ओके 0.5 ओके ये जिनस भी आपको देखार अच्छी ताने दुईटा क्वेश्चन भूल कले गोटे मार्क कटिज भलसे केयरफुल करेंगे कारण ये बहुत अधिक होगला ओके बहुत अधिक होगला इन दिस रिटिन टेस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन दि रिटिन टेस्ट देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 0.1 पर क्वेश्चन पर रंग और मल्टीपुल आंसर गला तापर इन द टेस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पुणी गोटे कंडीशन रहा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क मैंने कौन बुझीपुर ये जो तुम आप 180 मार्क परीक्षा देते मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कौन कही कोई सर्विस स्पोर्ट्समैन कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी ये कैटेगरी ये 30% एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कैंडिडेट अदर देन एससी एसटी ये सब कैटेगरी 35% ओके तापर पुणी लिखे ग्राम रोजगार सेवक एंड शैल बी अलाउड 1% एक्स्ट्रा मार्क द टोटल मार्क 1% एक्स्ट्रा मार्क मिल आ दिखाई गोटे सुविधा कंप्लीटेड कंटिन्यूस सर्विस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम द 15% शैल बी एडेड टू द मार्क्स सिक्योर्ड फॉर द डिसाइडिंग द मेरिट पोजिशन पोस्ट ऑफ द पीओ ओनली बट नो कैच द मार्क्स सिक्योर टुगेदर द एक्स्ट्रा मार्क्स शैल बी एक्सीड द टोटल मार्क ताने कौन कहुच तो ये हूँ आपंकर 35% माने गोटे जनरल पिलापाई मिनिमम 35% मार्क रखा दरकार मिनिमम 35 माने बुझिपार तो 180 रो आप 35% मिनिमम रखिए ना आप कौन हे क्वालिफाई करें ना कटअप तो कैसे जी से अलग कथा आपन को आगे मिनिमम 35% मार्क रखार अच्छी ये जो 180 मार्क आपड़ परीक्षा देते ओके तो 180 मार्क जो परीक्षा देते आपको मिनिमम 35% मार्क रखा पड़ा जदि आप मैंने अनरिजर्व कैटेगरी अच्छा जदि रिजर्व कैटेगरी किसी अच्छा तेल 30% आप हिसाब करदे भी जाने 18 × 3 = 54 तेल 54 मार्क ओके ये जमी 30% 180 ना 180 आप 3% बाहर करेंगे 18 × 3 = तो आपंकर 54 तो ये हूँ तो 54 मार्क्स आपको मिनिमम रखा पड़ो तो यहाँ 35% से अनुसार कैलकुलेशन करदे ओके तो ये हूँ आपंकर मिनिमम मार्कटा आप आगे रखिए रही तो जीव मिनिमम मार्क किसी बड़ कथा नुहे कारण बहुत इजी क्वेश्चन पड़ो ओके आए जी प्रिपेरेसन कर न प्रिपेरेसन कले कि हेनी तो सिलेबस कौन अच्छे देखो आप निजे देखु वर्ब्स टेन्स मोडल्स एक्टिविटी ये सब जॉब पाइबा बहुत सुविधा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये रहा आपंकर कौन बेसिक जो नॉलेज अप टू 10th स्टैंडर्ड पर्यंत जो इंग्लिश आप पढ़ीपर आर्टिकल्स नाउन प्रोनाउंस ये रोक इनडायरेक्ट स्पीच से कंपेरिजन ये रोक इनडायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अनसीन पैसेज आपको पैसेज दिजा पढ़िकी आप आंसर देते ताने ये तो कम्प्लेक्स हो प्लस टू लेवल क्वालिफिकेशन बेले आपड़ पढ़ी बुझा भी कष्ट सत कह गल आम ओडिया पिला जदि बुझ न पारे तो ठीक से आंसर दे पारे जदि बुझीगले तो ठीक से आंसर देदेव जी बुझीगला आंसर ठीक से देदेव से इंग्लीश भी नलेज अल्प कि अंडरस्टाडिंग थी तो जहाँ दरकार तापर ओडिया ग्रामर ओडिया ग्रामर आपंकर ओडिया ग्रामर एटा इंग्लीश गला तले एटा ओडिया ओडिया आपंकर ट्रांसफरेशन कौन लिखे ट्रांसफर्मेशन अफ सेन्टेन्स नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये सब रोक देन वर्ड्स ट्रांसफर्मेशन अफ वर्ड्स तेल संधि समास ये सब जिनस आपंकर रिनोनिमी एंटोनिमी ये सब रोक करेक्शन इडियम पेजेस ये सब जिन नॉर्मली जो ओडिया तुम फेस आप फेस करूँ डेली लाइफ तापर नेक्स्ट है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स आपंकर देखते कैसे सहज अच्छे नंबर सिस्टम सहज मुझे आपण मैने बिना प्रिपेरेसन सहज कहटा ठीक नुहे प्रिपेरेसन कर सारापर सहज बोली कहे एच एस सी एफ एलसीएफ एलसीएम स्क्वायर स्क्वायर रूट्स क्यूब्स क्यूब्रुट्स परसेंटेज एवरेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप सब जिन वीडियो भी मुझे बहुत सारे ए चैप्टर वीडियो आपको मिल जाए ये पर्टिकुलर वेबसाइट मैंने मो यूट्यूब चैनल रे ओके आ बहुत सिंपल लैंग्वेज रे बुझाऊँ रेसियो प्रोपोर्शन मुझे चेस्टा करी यादव किसी वीडियो भी एक्स्ट्रा अपलोड करने ओके जनरल नॉलेज देखिपे कौन लेखा अच्छी
ये हूँ हिस्टोरिकल इवेंट्स डेट्स पर्सनालिटी जियोग्राफिकल फैक्ट्स आपको आईडिया मुझे बतईदेली कौन क्वेश्चन केमी पड़ो जो जनरल नलेज रु तापर कंप्यूटर नॉलेज एमएस वर्ड विंडोज एमएस ऑफिस एमएस पावर पॉइंट एमएस एक्सेल इंटरनेट एक्सेस विषय किसी देनी मे भी इंटरनेट एक्सेस रु भी पढ़ी पारे ओके मे भी पढ़ी पारे ये होगा आप कौन सिलेबस जो सिलेबस स्ट्रक्चर को आम ये देखिक जाणिले कौन बुझे ना एथरु आम गोटे आईडिया आसला जे पाठ जो लेवल अच्छी यहाँ जो पढ़ो ये ग्राजुएसन पिला गले या भितर टी अधिक परफॉर्मेंस निश्चित करदे सहज अच्छी सिलेबस स्ट्रक्चर ओके मैथमेटिक्स हो रीजनिंग तो ना या भितर ओके तो रीजनिंग तो रखि ना तो ये जिनस हूँ पिला फायदा होगा रीजनिंग या भितर ना इंग्लीश ओडिया मैथमेटिक्स जनरल नलेज कंप्यूटर ओके रीजनिंग रखा जाए मैथमेटिक्स शुद्ध सादा सीधा मैथमेटिक्स सब रोह तो जोटा पूरा मैथमेटिक्स ना ज्योमेट्री फोमेट्री या भितर किसी रखा जाए बस सिंपल मैथमेटिक्स खाली अच्छी देन है आपंकर रिजल्ट रिटिन टेस्ट ये हूँ रिजल्ट ऑफ फास्ट स्क्रीनिंग लिस्ट प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट पर सिलेक्शन हे सहीटा हूँ आपंकर जूनियर असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओके तो दुटा जाक रिजल्ट बाहर से मैंने पुणी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट करतापर एटी जो सिलेक्शन हे थ्री टाइम्स गोटे पोस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट कलेक्शन सिलेक्शन हे थ्री टाइम्स मैंने जो थे मन कर गोटे पोस्ट अच्छे तीन टा पिला डाके से कारण एथर को पुणी दुजन काटे से मैंने बुझा गले ओके मैंने तीन टा डाक मैंने कौन हम दुईटा कटे सर्टलीस्ट होगा और पुणी दुईज कटिजे लास्ट में मैंने एमतीपर पुणी दुईज पूरा डायरेक्ट काटेनीपर पुणी हूँ आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले भी दरकार पड़े जन जन एक्सट्रा रखि थी पारे तीन जन रु जो दुईज तो काटिदे जन को मैंने लास्ट तो फाइनाल सिलेक्शन जन ही रोक ओके प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट ये 50 मार्क रोबे ये भी तुम रोबे आगे तो आगे चिंता करूँ रिटर्नटा भल करने रिटर्न स्कोर अनुसार आपंकर परफॉर्मेंस जहाँ तो किसी हम रिटर्न परफॉर्मेंस अनुसार देखा पड़ो कंप्यूटर नॉलेज थी बिना कंप्यूटर नॉलेज रे आपन एंट्री करेंगे ना तापर सेकेंड सीन इंग्लीश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपंकर मैंने जो चार्टा पोस्ट थी पांचटा पिला डाके मैंने गोटे पिला अधिक डाके रेसीयर डाके से 5:4 मैंने चार्टा पोस्ट पांचटा पिला डाके 5:4 रेसीयर से डाके ओके मैंने सिलेक्ट हे से अनुसार जो प्राक्टिकाल स्किल टेस्ट सरलापर तापर रेजल्ट बाहर जापर आपंकर देखिए पोस्ट कौ कौ जिले में केते वैकेंसी अच्छी आपन जदि दुईटा जिले में मन करूँ कई जन पिला दुईटा जिले में रही मानने तार दरकार पड़े से सर्टिफिकेट बाहर कर पार तो करूँ से गोटे जिले में आप्लाय कर गोटे जिले में ही आप्लाय कर गोटे जिले में आप्लाय करवाक कौन करा पड़ो ना हूँ से जिलार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करेंगे तापर आपंकर कौन होता दरकार ना रेसीडेंटल सर्टिफिकेट भी थी दरकार जदि आप बाहर स्टेट मानने स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन करतापर नेक्स्ट हूँ आपंकर कौ कौ जिले में केते वैकेंसी अच्छे देखो एथर आपको किसी मिली आप निज जिल देखार अच्छे ए जिले में अधिक बाहर ये जिले में कम बाहर ये आपको कहले कि फायदा मिली जो जिले में जमी रिक्वयरमेंट अच्छी से ही अनुसार बाहरी यहाँ आम देखुं जूनियर आसीस्टाट पोस्टा तो जो जिले में जिते जिते रिक्रुट मैंने अच्छी रिक्वयरमेंट से ही अनुसार बाहरी आपण जिले में जिते अच्छे आई अनुसार देखिए तो बस से ही अनुसार प्रिपेरेसन करेंगे बढ़िया चान्स अच्छी कारण दुटा जाक पोस्ट मिसला आपंकर बहुत हो जाए ये है 3099 से 2097 ये सब डिफरेन्ट रिजर्वेशन कैटेगरी अनुसार देखिपे ओके रिजर्वेशन कैटेगरी अनुसार देर सब जिन जोड़ाही तो ये आप देखिक निजे जज करेंगे कौन प्रिपेरेसन करेंगे ओके तो ये आपंकर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी आप सब रही आप 2900 के पोस्ट अच्छी आपई अनुसार प्रिपेरेसन करी चाकरी पाइबापी बेसी दिन आपन को परिश्रम करा पड़े बेसी दिन मानने पिला जमी मानने गोटे बड़ जब पाइबापी लगुच तो आपन को ये चान्स सब बेले मिले यहाँ केवल नेक्स्ट इयर को इलेक्शन अच्छी ये जिनस होट ए टाइम ये गुड़ा पोस्ट आसू तो आपड़ यहाँ कौन हो इलेक्शन हेले ये जो पिला जिबे 6000 पिला जिबे पखापाखि तो ये गले कौन करेंगे ये जिबे माने पर भी भोट देवे गवर्नमेंट को आउ ये निजे भी भोट देवे ओके तो या द्वारा कौन हम कहे ना सरकार मानने ऑब्जेक्ट तो इलेक्शन ना नत वैकेंसी एत दिन है बाहर करूँ ना एवं कहीं बाहर कले तो ऑब्जेक्ट तो इलेक्शन तो यही ऑब्जेक्टिव से बाहर करुँच ओके ये केवल आम स्टेट नुह यहाँ सब सारा देश में या चली सब राज्य में भी या चली केवल आम स्टेट बोली आम कहटा ठीक नुहे।
ओके तो आपण मानों पर बढ़िया चान्स अच्छी ठीक है प्रिपेयर करूँ आउ जब्टे निज हाथ में रखि दिंतु निज ये जब फायदाटा कौन जानते रूराल एरिया पोस्टिंग बस या तो फायदा मानने कौन भिलेज रे आपण निज घर पाखे रे जब करेंगे तो यदि मैंने आपण पंचायत रू अगर पंचायत पोस्टिंग होती भी ट्रांसफर करके आसपारे से किसी प्रॉब्लम हो निज पंचायत प्राय पोस्टिंग देदेवे से मैंने ओके देदेवे दे देखु कौन होदि ने भी सुधा ट्रांसफर करके आसपारे पर सुविधा देखिए आडजस्ट करेंगे किसीटा तो आडजस्ट हो पार ओके आउ वीडियो जदि पसंद है लाइक करेंगे चैनल को जदि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें कारण मुझे यार रिलेटेड वीडियो पुणी अपलोड करी ओके थैंक यू।